अम्बाला के नाहन हाउस में कुछ रोज पहले दो बच्चियों की मौत का मामला सामने आया था। बता दें कि दो सगी बहनों का शव उसके घर से बरामद हुआ था, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। अम्बाला की वाल्मीकि बस्ती में 31 जुलाई को संदिग्ध हालातों में हुई दो बच्चियों की मौत मामले में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। दोनों बच्चियों को अपनी कोख से पैदा करने वाली मां ने ही उन्हें मारा है। पुलिस ने इस मामले में बच्चियों की मां ज्योति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ज्योति ने अपना जुर्म भी कबूल लिया, कहा कि पहले 7 साल की अमायरा का चुन्नी से गला घोटने के साथ साथ सांस रोक कर मार डाला था। इस बीच बड़ी बेटी योगिता ने सीढ़ियों के ऊपर से ही उसे देखा तो उसको भी चुन्नी से गला घोट कर हत्या कर दी। तो पिछले हफ्ते 31 जुलाई बुधवार की तारीख में जो एक दिल आने वाली घटना घटी थी हमारे नान हाउस वाल्मीकि बस्ती में, चौकी नंबर 4 का एरिया जो पड़ता है, जिसमें दो बच्चियां एक 7 साल की और एक 11 साल की मृत अवस्था में अपने घर में हमें मिली थी। इस सूचना पर हमने कार्रवाई करी थी और तफ्तीश के दौरान फाइनली कल सोमवार शाम को हमने एक अरेस्ट करी है, जिसमें जो मुख्य आरोपी हैं हमारी उनकी माता हैं, उनकी मदर हैं बच्चियों की, और आज उनको कोर्ट में पेश करके हमने 2 दिन का रिमांड लिया। कि आखिर क्यों एक मां ने अपनी ही कोख से जन्मी बच्चियों का गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। इस दौरान ये पता लगाया जाएगा कि आखिर क्यों एक मां ने अपनी बच्चियों को मौत के घाट उतारा। पुलिस जांच में जुट गई थी और अब बच्चियों का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी मां ही निकली। पुलिस ने खुलासा करते हुए बच्चियों की मां को गिरफ्तार कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।